अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी लोकल कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और हमारी यहाँ लोकल कंपनियां जो हैं जो वो गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स ही वो नहीं है जो होने चाहिए लोकल गाड़ी के। इंडिया में इतनी जैपनीज गाड़ी नहीं इम्पोर्ट होती जितनी पाकिस्तान में होती है, उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी सरमायाकारी नहीं है। ये 2018 मॉडल है, प्राडो TX है और इसकी पाकिस्तानी प्राइस इस टाइम 265 है अराउंड अबाउट। और एवरेज इसकी क्या है, फ्यूल एवरेज की बात की जाए? इसकी एवरेज कोई इतनी यानी कि 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर करती है। पाकिस्तानी देखिए 3 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, होंडा, टोयोटा और सुजुकी, वो 3 पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये होंडा, टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियाँ नहीं है, पाकिस्तान में इनकी असेंबली। अब देखिए असेंबलिंग तो ये अब तकरीबन 80% यहीं बनते। जैसे मैं आपको मेड इन पाकिस्तान उस तरीके से कह रहा था जैसे मेड इन इंडिया होती है, जैसे इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, वो अपना इंजन है, अपना उनका नाम है, अपना उनका ब्रांड है। अब ये जापान, ये जो अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी इंडिया में, क्वालिटी की गाड़ी शायद वहाँ पे मिले आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख। क्या वजह है, प्राइस भी कम है, बना भी खुद रहे हैं? असल में उनके जो है ना उधर की जो बनाने के फीचर मैन्युफैक्चर करने का गाड़ी का बहुत अच्छा सेटअप है। ये पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, जैसे यूनाइटेड बनी है वो फ्लॉप। ये जी ऑल्टो 2022 है, इस टाइम पाकिस्तान में ना अगर हम मिडिल क्लास फैमिली को कंसीडर करें ना तो ये वाहिद गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है। ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि कोई भी गाड़ी 20+ फ्यूल एवरेज नहीं देती। तो सबसे सादा वेरिएंट है ना इसका मैनुअल में VX, उसकी प्राइस है 17.5 लाख रुपया। जो फुल ऑप्शन है VXL ऑटो वो 22.5 की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, खासतौर पे गाड़ियों की बात की जाए, इंडिया में गाड़ियों की बात की जाए, ये देखा जाए कि मेड इन पाकिस्तान जो गाड़ियाँ हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मेड इन इंडिया गाड़ियाँ जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें गाड़ियों के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। मौजूद हूँ मैं इस टाइम शोरूम पर, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे, जो गाड़ी खरीदने आए हैं उनसे भी बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इंडिया अपनी गाड़ियां बना रहा है, सेल कर रहा है, इवन अब तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान अपनी गाड़ी बना रहा है या नहीं, और अगर नहीं बना रहा क्या रीजन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, शुगर डैडी जो कि अमेरिका का एक परफ्यूम ब्रांड है अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है, अमेजोन इंडिया पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मौजूद है, जरूर विजिट करिएगा, अगर आपको पसंद आए बेहतर लगे तो उसे बाय भी करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मौज भाई, आप ये शोरूम आपका है? जी अपना सर। जबरदस्त, मैं इसी टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियों की बात की जाए, इंडिया की गाड़ियों की बात की जाए, बांग्लादेश में जो गाड़ियों की बात की जाए, तो क्या फर्क क्या है? सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई ऐसा एक ब्रांड जो यहाँ पे गाड़ी बनाता है, यहाँ पे सेल करता है? पाकिस्तान में सर आपको पता है कि टोयोटा कंपनी जो है जो 1991 से यहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल कर रही है। ठीक है, लेकिन सॉरी आप मेरी बात, हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ कि असेंबलिंग जो है ना वो हमारे मुल्क में बहुत सालों से हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो रही। सिर्फ एक यूनाइटेड ब्रांड है जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल्स के बाद यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस की हैं, और उनकी 2-3 गाड़ियाँ जो हैं जो लो बजट में बहुत ज़्यादा करामत गई हैं मार्केट में, रही हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में चली नहीं है। आप मुझे दिखा दें मार्केट में ना चलने की सबसे बड़ा मेन वजह जो है ना वो बिल्ड क्वालिटी है उन गाड़ियों की। हमारे यहाँ पर जो लोकल गाड़ियों की जो माफिया है, जो मार्केट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जो क्या कहते हैं बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी बेहतर है कि हमारी लोकल मार्केट उसको कम्पीट नहीं कर सकती। आपने बात की, वैसे हम ये कहते हैं कि मतलब हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते, मेड इन पाकिस्तान लेना चाहिए, 2 गाड़ियां आपने बोला आई, और खुद ही आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस है, आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें दबा दिया गया, जो दूसरे ब्रांड है जैसे टोयोटा या जो भी कोई ब्रांड है, ठीक है, आने नहीं दिया। क्या वजह समझते हैं इसके अंदर, पब्लिक का कसूर है, उन्होंने पसंद नहीं की वो ब्रेवो या जो गाड़ियां आई हैं? इसमें देखें, कस्टमर का फीडबैक जो होता है ना वो किसी भी ब्रांड को चलाने के लिए बहुत अहम होता है। अगर हमारे यहाँ पे लोकल गाड़ियों का कस्टमर फीडबैक हमें अच्छा आता, हमें वो बिल्ड क्वालिटी दी जाती, हमें वो सेफ्टी फीचर्स दिए जाते जो बाहर की गाड़ियों में एक जेनेरिक हैं, तो हमारी यहाँ की ऑटो इंडस्ट्री पे जो है जो कंपनियाँ इनिशिएटिव ले रही हैं वो बूम करती। लेकिन हमारे नज़दीक हमारी मार्केट को लोकल 10 से 15 साल कहीं नहीं गए अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, करने में वो भी अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट किया जाएगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेक होल्डर्स आते हैं, कोई बड़ी हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि बड़ी कंपनियों को ऐसे कोई प्रपोजल्स दिए जाएं कि वो यहाँ पे ला के अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, अपने यहाँ पे सेंटर लगाएं।
अच्छा बात कीजिए इंडिया की, इंडिया में टाटा है, नैनो है, महिंद्रा है, इसके अलावा भी शायद कुछ ब्रांड हो जो ना सिर्फ आप पहले इंडिया में थे, अब इंडिया से अपना बड़े बड़े कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी गाड़ियां, अपने जो चीजें। सर देखिए अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया की करेंसी और इंडिया की जो मुल्की हालात हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो 20-25 साल से वो अपनी बना रहे हैं और हमारे यहाँ से 2 या 3 साल हुए हैं कि हमारी अपनी कंपनियाँ जो हैं अभी कोशिश करने लगे हैं, हम कोशिश करने लगे हैं। जिस रेस में वो दौड़े हैं हम उस रेस से बहुत दूर हैं। क्यों, वजह क्या? 1947 में तो हम इक्वल थे, बल्कि 90s तक अगर आप थोड़ी हिस्ट्री का बताओ, 80s तक हमारे यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती किसी भी, आपको पता है यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज आती हैं वो पहली बात ये है किसी भी कंपनी को सेटल होने नहीं देती। अब आपके सामने यूनाइटेड के अलावा शंगान जो है वो चाइना की कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसको अभी तक वो फैसिलिटीज या वो प्रोसीजर्स नहीं मिल रहे जो टोयोटा होंडा और सुजुकी अवेल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी उनके लिए ब्लिंक ऑफ आई है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज़ में। कसूर किसका है, पब्लिक का है? अगर इंडिया की बात की जाए, हमारी गवर्नमेंट का भी है और हमारे अपने स्टेक होल्डर्स का भी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बाहर के मुल्क जाके हैप्पी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, असल चीज़ ये है। अच्छा अभी इस टाइम ये गाड़ी है टोयोटा कौन सी? ये 2019 मॉडल है, फुल ऑप्शन वेरिएंट है। इसकी प्राइस अभी इसी की नहीं, मैं मतलब वैसे अगर ये तो अभी मार्केट में अभी ये जो नया 0 मीटर प्राइस है ना इसकी वो है 57 लाख, ठीक है, लेकिन ये यूज्ड में है तो इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 47 जी 57। इस टाइम ग्रैंडी जोन सी है 19 मॉडल, उसकी ये प्राइस है 47 नहीं नहीं यूज की, और 2022 की जो प्राइस है ग्रैंडी की वो 57 है, इनवॉइस प्राइस है, उसके ऊपर ऑन भी है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी है, तो कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है उसके ऊपर, कैपिटल वैल्यू टैक्स। इंडिया में एक टाटा वालों ने गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई थी, पाकिस्तान में उसके बड़े चर्चे हुए थे जी वो बाइक की जगह पे आप गाड़ी ले लो, पता नहीं वो सर देखे ना अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी लोकल कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं और हमारी यहाँ लोकल कंपनियां जो हैं जो वो गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स ही वो नहीं है जो होने चाहिए लोकल गाड़ी के। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। आपको पता है हमारे यहाँ पे एशिया में इंडिया में इतनी जैपनीज गाड़ी नहीं इम्पोर्ट होती जितनी पाकिस्तान में होती है, उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी सरमायाकारी नहीं है। यहाँ पे मायाकारी है लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बैठे हैं जो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और मेड इन पाकिस्तान को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि अच्छा ये जो ये जी ऑल्टो 2022 है, इस टाइम पाकिस्तान में ना अगर हम मिडिल क्लास फैमिली को कंसीडर करें ना तो ये वाहिद गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। उसकी मेन वजह ये है कि कोई भी गाड़ी 20+ फ्यूल एवरेज नहीं देती, ठीक है, और कोई भी गाड़ी जिसकी मेंटेनेंस बहुत कम हो, इसकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर है, गाड़ी का कंफर्ट लेवल। मैंने जो सुना है, मैंने सुना है कि ये जो गाड़ी है इस टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं आल्टो, इसकी जो ये बॉडी है बहुत कमजोर टाइप बॉडी है, मतलब हिट होती है तो साथ ही। अगर आप देखें तो होंडा सिविक हमारा सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट समझा जाता है यहाँ पे, उसको एक अच्छी क्या कहते हैं सेडान के तौर पर हम यूज करते हैं। आपने उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी है, उसको आप ऐसे हल्का सा प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाता है, तो ये तो फिर दूर की बात है। सुजुकी का हमें सबको पता है कि मेरान से लेकर उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो वहीं की वहीं है। इसकी एवरेज आपने बताई 20+ और कीमत 22। यस इसमें भी दो है ना VXR, एक जो सबसे सादा वेरिएंट है ना इसका मैनुअल में VX, उसकी प्राइस है 17.5 लाख रुपया। जो फुल ऑप्शन है VXL ऑटो वो 22.5 की है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और खुशी इसलिए हुई कि यूथ है, नौजवान है और अपना बिजनेस अपना सेटअप स्टार्ट किए हुए हैं। मुझे बताएं मैंने और आपने मिल के ही पाकिस्तान को बेहतर लेके जाना है, ये ब्रांड हमने बनाने हैं, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री। देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, सबसे पहले जो आवाम है ना वो किसी भी चीज़ को ग्रो करने में साथ देती है, किसी भी ब्रांड को उभरने में। अगर हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनीज को हम उस तरह प्रमोट करेंगे और हमारी यूथ जो है वो लोकल गाड़ियों की तरफ फॉल करेगी, ना कि हम जापानी और दूसरी गाड़ियों के पीछे भागें, तो ही हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, तो ही हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री को प्रमोट कर। कोई भी चीज़ है मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, कोई अगर पाकिस्तान का ब्रांड है उसे उसके अलावा नहीं आप जा सकते, सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है किसी भी चीज़। और मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, मेरे ख्याल में इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी मेन रीज़न ये है कि उनकी जितनी आबादी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो अपने ब्रांड सपोर्ट करते हैं। आपने टाटा की बात की, अब टाटा को आपको पता है वहाँ पर 40 साल हो गए हैं और वो 40 साल में उनकी मिलियंस की तादाद में गाड़ियाँ लोकल मार्केट में, उसका टाटा को तो फ़ायदा हुआ, इंडिया को कितना फायदा? इंडिया को बड़ा फायदा हुआ, इंडिया की आप इंडस्ट्री देखें, इंडिया का एक इकोनॉमी अपनी प्रोडक्शन की वजह से कहाँ पे कहाँ चली गई है, उनकी
इकोनॉमी जहाँ रिलाय कर रही है हमारी इकोनॉमी उसके पास भी नहीं है, तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी ऑटो इंडस्ट्री बहुत पीछे रह चुकी है। हम जब तक अपने हालात बेहतर नहीं करेंगे बीइंग क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरह क्या कहते हैं फॉलो नहीं करेंगे तो तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान भट्ट। आपका नाम? अदील जिया। अदील भाई और इरफान भाई, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाड़ियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे आपने सिर्फ यहाँ पे आप ऑनर हैं शोरूम पे, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड है जो गाड़ी बना रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाले खरीद भी रहे हैं और हम एग्जाम्पल दे सकें कि जी पाकिस्तान का ये ब्रांड है? पाकिस्तान में तो फिलहाल आपके सामने ही है कि ब्रेवो गाड़ी है एक, जैसे अभी वो इतनी ज़्यादा इन नहीं है गाड़ी में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी मार्केट में आपको पता है मोनोपोली है, टोयोटा की मोनोपोली है या सुजुकी है या होंडा है, ये तीन चार हैं ब्रांड जो इनकी गाड़ियां चलती हैं। वजह क्या है? मैं पहले भी मतलब इस आपसे पहले जो इंटरव्यू करके हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो ब्रांड है टोयोटा है होंडा है या इस तरीके से जो ब्रांड है उन्हीं की यहाँ पे ज़्यादा होल्ड है, ज़्यादा मार्केट के अंदर उन्हीं की चलती है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम यहाँ के लोग खरीदने वाले हैं और चलती बाहर वालों की है। बस ये ऐसा ही है ना, आपको पता है कि जो गाड़ियाँ यानी कि जो अच्छी गाड़ियाँ वो टोयोटा आपको अच्छे दे देता है, यानी कि उसके अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते? हम इसलिए हम सपोर्ट ही नहीं करते, जो कोई अगर इस साइड पे इसी चीज़ पे आता है तो आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, तो इसी वजह से हम थोड़ा पीछे चले गए। मेन इशू ये है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एफर्ट करता है, कोई इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, लाइक यही कहते हैं कि मैं अपना ब्रांड बनाता हूँ, इन्हें बजाय सपोर्ट करने के दबा दिया जाएगा। ये एक प्रॉपर यहाँ पे निज़ाम है? कैसे आप क्या समझते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में उनके अपने ब्रांड है टाटा नैनो और महिंद्रा, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो बनाते हैं गाड़ियाँ, बड़ी लो प्राइस पर भी देते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में भी देते हैं, वजह क्या है? वहाँ पे तो फॉरेन जो उनसे इन्वेस्टर हैं या ब्रांड हैं वो नहीं अपना जोर जमा सकते। सर हर कंट्री का अपना एक रूल है, हर चीज़ अपनी, हर मुल्क अपनी ही चीज़ को प्रेफर करता है। तो हम वही तो मैं कह रहा हूँ, हम क्यों नहीं करते इंडिया में, क्यों ऐसा हो कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े लोग उन लोगों के पैसे नहीं बनते, ठीक है, उन लोगों को वो इसलिए आसानियाँ नहीं करते कि ताकि हमारे मुल्क में भी प्रोडक्शन हो, फिर गाड़ियाँ सस्ती हों। जब तक ये टोयोटा होंडा और ये सुजुकी वगैरह रहेंगे तो मोनोपोली तो चलती रहेगी। अब देखिए ना, जापान से लोग गाड़ी मंगवाते हैं, इधर मंगवा के उनकी रीसेल भी ज़्यादा है और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है, और हर दूसरा बंदा जो है वो कहता है कि जापान की गाड़ी लेनी चलेंगी या फिर चाइना की गाड़ियाँ भी कुछ आ रही हैं वो ले रहे हैं, सस्ती भी मिल जाए और मजबूती भी मिल जाए। हमारी सस्ती भी नहीं है और महंगी भी है, और इस वजह से हम थोड़े पीछे हैं। इनकी इसकी अगर इस टाइम ये कौन सा मॉडल है और इसकी क्या कीमत? ये 2018 मॉडल है, प्राडो टीएक्स है और इसकी पाकिस्तानी प्राइस इस टाइम 265 है अराउंड अबाउट। और एवरेज इसकी क्या है, फ्यूल एवरेज की बात की जाए? इसकी एवरेज कोई इतनी यानी कि 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर करती है। अभी जो इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर इसके प्रॉपर बताना क्या कौन सा मॉडल और क्या? ये TX 2018 मॉडल है, 2021 का इम्पोर्ट है और 2022 का नंबर लगा हुआ है। और 265 के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू है, इसकी प्राइस है, वहाँ पर क्या प्राइस है, कितना डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेहतरी कैसे सर हम ला सकते हैं? देखें आप इन्वेस्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके सर पे ये मतलब इंडस्ट्री खड़ी है, आप जैसे लोगों के सर पे, कैसे हम पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं? आखिर हमने कब तक ये टोयोटा के सर पे रहेंगे, कब तक ये होंडा के सर पे रहेंगे? बेहतरी इसलिए आ सकती है कि जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है, पहले तो लोकल प्रोडक्शन की जाए और लोगों को जो बनाते हैं या जो लोकल प्रोडक्शन हो, ताकि बंदों को सपोर्ट मिले, हुकूमती सपोर्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए, फिर ही कुछ जाके होगा, वरना ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, सदियों से चलती आ रही हैं और ये चलते रहना निज़ाम। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की गाड़ियाँ बने और आप पाकिस्तान की गाड़ियाँ बेचें यूज़ करें? बिल्कुल कौन नहीं चाहता, अपने मुल्क के साथ हर कोई मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारा ईमान है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसी मोनोपोली है, गवर्नमेंट लेवल की मोनोपोली है, पूरी दुनिया से हम कट गए हुए हैं। हम लोगों की चीजों को प्रमोट करते हैं बनिस्बत अपने लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अरशद जी। अरशद साहब, आप ये शोरूम पे होते हैं, कहाँ शोरूम है आपका? मैं इसी हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर गाड़ियों की प्राइस की बात की जाए, दिन ब दिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है गाड़ियाँ, और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम कोई एक गाड़ी जो पाकिस्तान में बन रही है और पाकिस्तान में सेल हो रही है? पाकिस्तानी देखिए, तीन मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, होंडा टोयोटा और सुजुकी, वो तीनों पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये होंडा टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियाँ नहीं है, पाकिस्तान में इनकी असेंबली? अब देखिए असेंबलिंग तो ये अब तकरीबन 80% यहीं बनती हैं, ठीक है, नहीं इंजन यहाँ पे बनता है, सब कुछ यहीं बनता है, अब इन तीनों गाड़ियों का यहीं पे बनता है। बाकी जो जापानीज गाड़ियां हैं उनके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन
मनन अगर थोड़ा सा करे, जैसे मैं आपको मेड इन पाकिस्तान उस तरीके से कह रहा था जैसे मेड इन इंडिया होती है, जैसे इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, वो अपना इंजन है, अपना उनका नाम है, अपना उनका ब्रांड है। अब ये जापान, ये जो अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी, मैं यही पूछना चाह रहा था, अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो 100% पाकिस्तान में, ब्रांड भी पाकिस्तान, हाँ ब्रांड भी पाकिस्तानी हो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। क्या रीजन, रीजन क्या है? ये तो हुकूमतों ने करना है या कोई इन्वेस्टर आएगा जिसने फैक्ट्री लगानी है? तो एक तो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो अब जो इस फील्ड में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनको सोचना चाहिए ना। हमारे ऑलरेडी जो तीन कंपनियां चल रही हैं ये तीनों जैपनीज हैं, बैकग्राउंड इनकी जो है ना वो जैपनीज हैं, ठीक है? हाँ जी, तो अगर प्राइस की बात की जाए इंडिया में जो गाड़ी ऑलमोस्ट अगर बात की जाए, आपको आइडिया हो? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए एक तो है करेंसी का फ़र्क, ठीक है, दूसरे हमारे जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से होती है, ठीक है जी। अब इस वक्त डॉलर जो है जिस प्राइस पे गया हो, जिस रेट पे गया हुआ है, उस हिसाब से गाड़ियाँ फ्लक्चुएट करती रहती हैं। Until and unless के वो मतलब ये प्राइस उस पर फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उनको बहाना होता है कि जी वो डॉलर बढ़ गया, ठीक है जी, तो हमने बढ़ा दी। अगर डॉलर 5 रुपये बढ़ता है तो गाड़ी की प्राइस उस हिसाब से 10 रुपये बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, बिल्कुल बढ़ा दी जाती है। यही वजह नहीं है कि यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पा रही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो तो जब करेगी जब कोई हो, कोई बनी नहीं रही है यहाँ पे, कोई इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री हो तो ग्रो करेगी ना। अभी तो देखिए जो भी ब्रांड चल रहे हैं, किया है वो कोरिया की है या और सभी बाहर की हैं, हमारी अपनी कोई प्योरली मैन्युफैक्चरिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं, ये कौन सा मॉडल किया मौजूद है? ये किया 20 मॉडल है जी, 20 मॉडल। इसकी प्राइस अगर न्यू की बात की जाए क्या प्राइस है? न्यू तो इस वक्त ये मेरा ख्याल है कुछ 70s में है, 70 के राउंड के जी, 70 किया जो है 20 मॉडल आप कह लें वो 70 की आपको न्यू मिलेगी पाकिस्तान में, बिल्कुल पेपर क्लियर। हाँ जी, पेपर शेपर हर चीज होती है जी। और जो एक नॉर्मल गाड़ी है जैसे कोई मिडिल क्लास लेना, क्या मुराद है आपकी? मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। मैं अर्ज करता हूँ मिडिल क्लास के लिए सिर्फ हमारे यहाँ सुजुकी वालों ने बनाई है छोटी गाड़ियाँ, ठीक है नी, ये कल्टस हो गई, आल्टो हो गई, ये गाड़ियाँ जो हैं ये सुजुकी वालों ने बनाई हैं जो, लेकिन वो भी मिडिल क्लास नहीं रही क्योंकि वो भी तकरीबन 25 की रेंज में आती हैं, 25 से प्लस में बल्कि वो आती हैं, तो वो मिडिल क्लास बेचारा जो 25 लाख कहाँ से लाएगा, ठीक है नहीं? अच्छा, आपसे क्वेश्चन करने का, आप सोच रहे होंगे हमारे से क्यों पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप ये काम करते हैं, आप हमारे से और जो देखने वाले हैं उनसे कई गुना बेहतर जानते होंगे क्या इश्यूज क्या हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही और बहुत एक हैरत वाली। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि इंडस्ट्री ग्रो क्या करेगी, हमारे मुल्क के हालात ही स्टेबल नहीं है, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले कोरोना आ गया था, उसके बाद से हुकूमतों की अप डाउन चल रहा है सारा कुछ ना, तो इंटरनेशनली देखे ना वो तो आया, लेकिन इफेक्ट तो आया ना, उसका भी इफेक्ट तो आया ना। मैंने पहले आपको बताया करेंसी के वो डॉलर्स की फ्लक्चुएशन है, फिर उसके बाद जो है ये अब हालात ऐसे हैं कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है नहीं, कोई कारोबार, इवन ये नहीं कि सिर्फ हमारा गाड़ियों का ही कारोबार इफेक्ट हुआ है, तमाम कारोबार इफेक्ट हुए। अब ये रियल एस्टेट सड़कों की अगर बात की जाए, सड़कों में ये देखें अगर हम दिखाएं, गाड़ियां तो चल रही हैं, बिजनेस हो रहा है, तो जिनके पास है वो बेचारे चलाएंगे ना, वो खड़ी तो नहीं कर देंगे, वो तो चलाएंगे ही, वो तो हम एक फिर पेट्रोल का बड़ा एक इशू है, ठीक है नहीं। बहुत से लोगों ने अब छोटी गाड़ियों की तरफ इसलिए आते हैं कि पेट्रोल महंगा है, बहुत पेट्रोल महंगा है, ठीक है। एवरेज की अगर बात की जाए छोटी गाड़ी की, ये इस टाइम हमारे पास ये कौन सी गाड़ी मौजूद है, ये खड़ी है छोटी गाड़ी है, ये मिट्सुबिशी की है जी, इके वैगन, ये इसकी प्राइस 660 है, 660 की प्राइस, 660 सीसी है, ये 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी है, 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी है। और इसकी एवरेज क्या है? एवरेज ये करती है 15-16 करती है। इंडिया वालों के पास ऐसी पॉलिसी कौन सी है कि उनकी आबादी हमारे से ज्यादा है, आबादी ज्यादा और मसाइल भी ज्यादा होते हैं, तो उनके यहाँ पे हर चीज ग्रो करती है। क्या आप रोज ऐसे हंगामे नहीं देखते, रोज ये सारी सूरत हाल नहीं होती, ठीक है, होती होगी, होती होगी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती, इस लेवल पे नहीं होती। गवर्नमेंट स्टेबल, हमारे जी हाँ गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, हमारे यहाँ जो है वो जो कुछ हाल सियासतदानों ने किया हुआ है तो वो तो हम क्या, मैं आई कांट एक्सप्लेन, उसको मैं बताना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, ठीक है नहीं, तो बस ठीक है ना। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई एक ब्रांड भी नहीं, बल्कि ये ना भी बताएं वैसे भी सबको पता है कि कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो टोटली 100% कह सके कि मेड इन। एक वो आया था ब्रेवो या एक आया था वो भी यूनाइटेड, और वो आई थी प्रिंस,
तो वो ये है कि वो चल नहीं सकी, हाँ फेल हो गई। वो सस्ती वजह क्या? वजह ये है वो माफियाज भी बड़े हैं ना जी, क्वालिटी का भी फर्क होगा। क्वालिटी का भी फर्क है, इतना नहीं है जितना माफियाज उसको कामयाब नहीं होने देते। ठीक है नहीं, सारी बात है। जब सपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जाकर किसी ने एफर्ट की है, ब्रेवो बनाई या वो दूसरी कौन सी, यूनाइटेड, एक यूनाइटेड ब्रेवो है और एक प्रिंस, पर्ल प्रिंस है, पर्ल प्रिंस बनाई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था ना, ये प्रिंस मोटरसाइकिल है और वो यूनाइटेड ये उनकी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था सपोर्ट करें और उन्हें बकायदा तौर पर उन्हें प्रमोट करें, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। इंटरनेशनल जो उनसे दूसरे ब्रांड्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रमोट किया जाता है और हमारे जो ब्रांड है उन्हें दबा दिया जाता है। शायद यही वजह है कि हम ना तो अपनी इज्जत करवा पाते हैं, ना अपने ब्रांड की इज्जत करवा पाते हैं और ना ही हम ग्रो। ब्रांड तो बात की बात है जी, इज्जत हमारी जब ही होगी दुनिया में, जब यहाँ स्टेबिलिटी होगी। ठीक है जी, हम भीख नहीं मांगेंगे तब स्टेबिलिटी होगी, जब तक हम भीख मांगते रहेंगे हम कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा शब्बीर जी। मिर्ज़ा साहब, ये आपका शोरूम है, मतलब गाड़ियों का आप काम करते हैं, इसी हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट की ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी फैमिली के लिहाज से कौन सी है? फैमिली के लिहाज से पाकिस्तान में गाड़ी जो चल रही है वो AMG वगैरह चल रही है, हैचबैक में, और छोटी गाड़ियों में ये चल रही है। AMG की प्राइस भी साथ साथ, मतलब जो थोड़ा सा गाड़ी जिसकी बात हो उसके साथ प्राइस भी बता देंगे, देखने वालों के लिए सहूलत आसानी हो जाए। हाँ, उसकी तकरीबन 50 के लेके 60 तक के उसकी प्राइस है, चल रही मार्केट 50 से 60 लाख के अराउंड। हाँ जी, इसका हैचबैक में है और इसको कामयाब है, इससे सबसे पहले जो गाड़ी कामयाब, फिर उसका किया, जो किया ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया पाकिस्तान में, उसको कस्टमर भी, इसका भी डिमांड भी है उसकी साइड। एक चीज़ और है, जिसकी डिमांड होती है उसकी प्राइस भी फौरन बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह? वो इसलिए कि उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, उस पर ऑन आ जाता है, ऑन बेचते हैं, ऑन बेचने का मकसद ये होता है कि भी वो गाड़ी की प्राइस कस्टमर ज़्यादा है, उसके फ्यूचर अच्छे होते हैं, इसलिए कस्टमर उसको लाइक करता है। अगर बात की जाए थोड़ी, ये आपने बताई है 50-60 की रेंज में, अगर इससे कम लो रेंज में बात की जाए मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी, उसमें गारंटी आ जाती है, उसमें अल्टस वगैरह होता है, ये चीज़ों को गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, होंडा स्विक आ जाती है। अच्छा, ये जो गाड़ी आल्टो खड़ी है, अगर आप आए मेरे साथ, आल्टो गाड़ी खड़ी है, ये बहुत ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान में इस टाइम पे, अगर बात की जाए इसकी क्या क्वालिटीज़ क्या है? एक तो लिमिट इसकी जैपनी गाड़ी है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, और इसमें ट्रिप्टोनिक गियर है, ऑटो गियर में भी है, और मैनुअल। प्राइस क्या है? प्राइस इसकी है 22 भी है, 24 है, 22-24। 22 कौन सी और 24 कौन सी? VXR, इसमें VXR, एक VXL होती है, एक VXR होती है इसमें। इसमें जो 24 है वो ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन वाली है, और मैनुअल दूसरी होती है। इंडिया की बात करें, इंडिया में गाड़ी खुद बनाई भी जा रही है, शायद आपको बल्कि पता ही होगा, आप काम करते हैं, गाड़ी खुद बना, वहाँ की गाड़ी में टाटा है, इसके अलावा महिंद्रा है, आई थिंक वो गाड़ियाँ बना रहे हैं और वहाँ पर सेल हो रही है, और यही इस क्वालिटी की गाड़ी शायद वहाँ पर मिले आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख। क्या वजह है? प्राइस भी कम है, बना भी खुद रहे हैं। असल में उनके जो है ना उधर की जो बनाने के फ्यूचर, मैन्युफैक्चर करने का गाड़ी का बहुत अच्छा सेटअप है, ये पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, जैसे यूनाइटेड बनी है वो फ्लॉप हो गई है, फ्लॉप होने का रीज़न ये है, वो फ्लॉप इसलिए हुई है कि इधर उनके फ्यूचर नहीं अच्छे, उसका जो मैन्युफैक्चर है ना वो इतनी कामयाब नहीं है, ये सस्पेंशन उसका कामयाब नहीं, जो उधर टाटा ये कंपनी बना रही है ना उनका, तो उनके प्राइस का हमारा बड़ा फर्क है, हर चीज़ का डिफरेंट है, लेकिन इस प्राइस उनकी कम है, क्वालिटी उनकी बेहतर, क्वालिटी बहुत बेहतर है उनका, अच्छा मैन्युफैक्चर रूम भी अच्छा है, सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं, वो बेहतर है बना उसने, उन्होंने क्वालिटी, इसलिए हमारी यूनाइटेड इधर फ्लॉप हो गई है। अब जो किया वाली है तो उनकी सब गाड़ियाँ फ्लॉप हुई थी, लेकिन जो पहली किया स्पोर्टिज है जो पाकिस्तान में कामयाब हुई है। ठीक है, अच्छा एक छोटी छोटी गाड़ियाँ मेहरान की अगर बात की जाए, जो कि इस टाइम ये समझा जाता है पाकिस्तान में सबसे लो प्राइस गाड़ी शायद वही है मेहरान, तो उसकी क्या प्राइस चल रही है अभी? तो वो न्यू तो आ नहीं रही है। मेहरान तो इसलिए इन्होंने बंद की है ना, उनकी जगह के उन्होंने अगेंस्ट जो है आल्टो कर दी है, ये आल्टो समझ लें इस टाइम पाकिस्तान में सबसे लो प्राइस अगर जो न्यू गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये आल्टो आ गई है। इसमें पहले इसमें मेहरान थी, बहुत ज़्यादा उसकी सेल भी थी, लेकिन कस्टमर को थोड़ी सी उसमें बेहतर मिली है, तो उसने उन्होंने क्या के भी आल्टो जो चेंज कर ली। पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे लो प्राइस गाड़ी है वो ये आल्टो है, और इसकी प्राइस 22 से स्टार्ट होती है, 21, 22, 23, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, आप डायरेक्ट ले रहे हैं या कोई डीलर से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, और अगर इसके फ्यूचर्स की बात की जाए, अगर इसके रूम की बात की जाए, इसकी कंडीशन की बात की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी आप लगता है कि ये एक्सीडेंट को बियर कर सकती है, इसके अंदर एयर बैग है, इसमें 2 एयर बैग होते हैं इसके अंदर,
एक डैशबोर्ड में होते हैं, एक इसके स्टेयरिंग में होता है। दो की अगर बात की जाए, बॉडी हिट हो तो एयरबैग उसको जो प्रोसीजर को है ना उसको कंट्रोल में कर सकते। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तान के जो शोरूम यहाँ पर मौजूद है उनके ऑनर्स की ओपिनियन आप तक पहुँचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में पहले नंबर पे तो मुश्किल से ही कोई ब्रांड ऐसा होगा जो मेड इन पाकिस्तान है गाड़ियों के हवाले से। अभी रोड पर आप देख सकते हैं या जो समझते हैं इन चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी, नज़र आएगी तो जापानी गाड़ी, नज़र आएगी तो चाइनी गाड़ी नज़र आएगी। शायद यही वजह है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिन ब दिन, पहले नंबर पर तो इंडस्ट्री डेवलप हुई नहीं कभी, और डेवलप ना होने की वजह यही है। इंडिया की बात की जाए, इंडिया वाले अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, टाटा महिंद्रा या नैनो जो भी गाड़ियां हैं उनकी, उनको वो वर्थ देते हैं, प्रमोट करते हैं। यही वजह है कि उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना सिर्फ इंडिया में कामयाब है बल्कि अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड्स की वैल्यू बने, हमारे पाकिस्तान की वैल्यू बने, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, पहले हम खुद उसे प्रमोट करेंगे पाकिस्तान में, खुद उसको वैल्यू देंगे तो ही दुनिया वैल्यू देगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जाने से पहले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।